जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। सिमरन चरण गुरुदेव के लिखु शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह स्त्री नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई, फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी, इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जब तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है।
इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो यहाँ पर होता है कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।